आज हम यहाँ पे आए हैं और ये एक उत्सव की तैयारी के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। और ये मेरे पीछे जो दिख रहा है ना आपको लड़का, वो बहुत ही मेहनती लड़का है और इसका एक व्लॉग चैनल है प्रज्ञेश मात्रे व्लॉग नाम से। आप इस चैनल, इतना छोटा लड़का है और फिर भी बहुत अच्छी मेहनत करता है, तो आप ज़रूर इसके चैनल को चेकआउट करो और उसको सब्सक्राइब करो। कुछ भी करके अपने को सब्सक्राइब मांगता है इसके चैनल के लिए। ये बहुत ही मेहनत करता है प्रज्ञेश मात्रे, कितना देख सकते हैं कितना छोटा और लड़का है, फिर भी आपको इसको, आप भैया को भी सपोर्ट। हाँ, मेरे को मालूम है, मेरे को मालूम है। हेलो गाइस, ये कालभैरव जयंती का एक छोटा सा व्लॉग बनाने का या वीडियो बनाने का मकसद यही था कि जो हमने यादगार पल यहाँ पे बिताई थी, ये जो पल थे वो हमेशा हमारे साथ जुड़े रहे, आने वाले समय में, आगे आने वाले सालों में हम इनको देख सकें, यही हमारा इस वीडियो बनाने का मकसद था। बहुत ही हसीन पल थे, आने वाले 10 सालों में इनकी वैल्यू, अहमियत बहुत होगी, क्योंकि आज हमें इस पलों का कुछ लगता नहीं है, क्योंकि आज ही बीते हुए ये पल हैं, कुछ इनकी इम्पोर्टेंस नहीं लगती, पर आगे आने वाले 10 सालों में ये बहुत ही अहम और कीमती रहेंगे ये पल देखने के लिए। ये यादें हमेशा हमारे साथ सेव रहे, यही हमारा मकसद है। कार्तिक वद्याष्टमी म्हणजेच 5 डिसेंबर रोजी कालभैरव अष्टमी साजरी होत आहे। कालभैरव हे आपले रक्षण करण्याचे काम करत असतात, त्यांना क्षेत्रपाल, दंडपाणी असे म्हटले जाते। त्यांची एकूण संख्या 64 आहे। त्यांच्या दर्शनाने भक्तांचे सर्व संकटे दूर होतात। आपल्याला कोणापासून भीती वाटत असेल, शत्रूंची पीडा होत असेल, आपल्या कार्यात अडथळे येत असतील, तर नक्कीच या दिवशी आपण कालभैरवाचे दर्शन अवश्य घ्यावे। कालभैरव जयंती जी दोपहर में हम लोग अभी नवस है हम लोग का, और ये नवस मंदिर तक जाएगा। अभी ये हमारे मुंबई के मामा हैं और बहुत ही अच्छा माहौल उन्होंने बनाया है, आप देख सकते हैं पूरे नवस में वो तो पूरे छा गए थे। Thank you.
यहाँ पे ईश्वर की निगाह हुई थी तराजू में, यहाँ पे एक साइड में जिसे तोलना है उसे बैठाया जाता है और एक साइड में चीज़ें रखी जाती हैं। Thank you.
अभी हम यहाँ तामसी बंदर में आए हैं और तामसी बंदर एक खूबसूरत व्यू है, आप देख सकते हैं। ये सब तामसी बंदर का व्यू है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने बोट हैं। ये बोट पूरे समुद्र में यहीं से जाते हैं, ये मछुआरे भी रहते हैं यहाँ पे। और ये कंपनी की JSW कंपनी की ये देख सकते हैं बोट कितनी बड़ी है। यहाँ से ये जलवाहक होती है और अब यहाँ पे जब भी आएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। हम आशा कर